ऐसा लग रहा है कोई फ्रेंड आया बहुत टाइम बाद, बट वेलकम टू आवर होम। आई बोलती हूँ थोड़ा वियर्ड लग रहा है बिकॉज आई हैव समथिंग टू टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई मीन ओजी पीपल नो व्हाट आई हैव टू से, जो मैं हमेशा होम टूर के एंड पे जो होता है बस वही होने वाला है। बट वेलकम टू आवर करंट होम। दिस हैज बीन माई होम फॉर 2 years ऑलमोस्ट। आई रेंटेड दिस प्लेस आउट 2 साल पहले एंड दिस इज हाउ आई मेड दिस रेंटेड प्लेस माई होम। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप ब्यूटिफाई कर सकते हो स्पेस विदाउट मेकिंग परमानेंट चेंजेस। सो लेट्स बिगिन। दैट्स वेयर वी एंटर्ड फ्रॉम एंड दिस इज द लिविंग एरिया। यहाँ पे छोटी सी कॉर्नर थी, दिस इज वेयर आई मेड माई शू रैक स्लैश शू कबर्ड बेसिकली। तो मुझे ना शूज का इतना शौक है कि दिस होल थिंग इज फुल, इसलिए मुझे ऊपर भी जूते रखने पड़े। बट बेसिकली हाउ आई ऑर्गेनाइज दिस इज कि आई डिड नॉट गेट शेल्फ्स पुट इन दिस। यहाँ पे वैसे डाल सकते थे, आइकिया का कबर्ड है तो मैंने ना सिर्फ बड़े बड़े प्लास्टिक के डब्बे ले लिए एंड हर जूते को एक इंडिविजुअल जिपलॉक में डाल दिया अंदर, सो दैट दे डोंट, मतलब कोई जूते खराब नहीं दूसरे को टच हो के बिकॉज दे आर यूज। आई एम नॉट ओपनिंग दिस क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैसी है, बट दिस इज शूरा का लव आर्टिफिशियल ग्रीन एलिमेंट्स हियर, तो इसलिए वो हैंगिंग वगैरह लगा है। दिस इज अ वेरी वेरी फैंटेसी थिंग दैट आई सॉ कि ऊपर ऐसा एक फेक लैंप है, वो एक्चुअली चालू जिससे तो कनेक्शन नहीं है एंड आई डोंट वांट टू गेट ड्रिल्ड इन दिस रेंटेड प्लेस, तो इसलिए ऊपर से लाइट आ रही है, इल्यूजन है एंड इट्स एक्सटेंडिंग टू द बॉटम ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ येलो कार्पेट। तो इमेजिन इफ यू जस्ट सिटिंग हियर, तो लाइक इट्स काइंड ऑफ नाइस इंटरेस्टिंग फील यार, इधर बैठे इन द स्ट्रीट और डू एनीथिंग और जस्ट वर्क आउट, लाइक वर्क आउट एज इन वर्क ऑन द लैपटॉप। सो एक छोटी सी कॉर्नर भी बना ली आउट ऑफ दिस। हियर इज देन पापा, हर घर के एंट्रेंस में आई नीड पापा टू बी हियर, तो यहाँ पे उनका स्थान है एंड देन लेट्स एंटर इनटू द लिविंग रूम। सो दिस इज द सोफा कम बेड। आई वॉन्ट दिस कुशंस फ्रॉम वेबसाइट की लाइक दे रियली रियली गुड डिजाइन एंड दिस सोफा कम बेड आई गॉट मेड फ्रॉम मलाड बांगुर नगर। दे हैव ग्रेट कस्टम ऑप्शंस एंड वेरी अफोर्डेबल। ये तो सिर्फ आई थिंक 30 to 35,000 के बीच में था, विच आई नो स्पाइसी लेकिन नॉर्मली आइकिया में 70-80,000 का था। सो दैट्स अ गुड प्लेस टू गेट इट मेड फ्रॉम इफ यू आर फ्रॉम मुंबई। प्लस इसमें स्टोरेज भी है बहुत सारा, जज नहीं करना, आई नो वी हैव अ वेरी क्लोज थिंग इसलिए मैं तो दिखा रही हूँ, बट और भारी है। बट अंदर ना मैंने लहंगे वहंगे सब हैवी ड्रेसेस रखे हैं जो डेली में इतना यूज नहीं आता एंड यहाँ से इट ओपन सो दैट अगर कभी सोना है तो इट बिकम्स अ ह्यूज बेड, दोनों भी ऐसे कुछ बंद हो जाए। आई लाइक द फ्लोरल प्रिंट, जैसे थोड़ा फेड हो गया है बट आई डोंट माइंड दैट, इट्स ओके। एंड दैट राइट देयर इज अ बालकनी, छोटा सा मिनी गार्डन एंड सीटिंग बनाया कि अगर शाम को चाय पीनी हो या कॉफी पीनी हो वहाँ पे बैठ के बहुत रिलैक्सिंग लगता है एंड हवा भी अच्छी चलती है, सो वी सिट अ लॉट ऑफ टाइम लैपटॉप ऑल्सो इन द बालकनी। नाउ लेट मी शो यू माय डाइनिंग एरिया। दिस डाइनिंग टेबल इज कम से कम 10 साल पुराना, ये मेरे लास्ट टू लास्ट घर से हम चलाते हुए आ रहे हैं एंड यू कैन नॉट टेल राइट। उसके लिए एक हैक है कि दीज चेयर्स वर एक्चुअली अ डिफरेंट कलर, इट्स अ ब्राइट ब्लू एंड मुझे अगर पूरा बेज एस्थेटिक बनाना था थोड़ा अगेन पिंटरेस्ट तो मैं बहुत ज़्यादा स्कोर करती हूँ, सो आज ना ये तो नहीं चलेगा और मैं रग भी लेके आ चुकी थी, सो आज एक रग से मैचिंग कुछ चाहिए। सो आई गॉट दीज कवर्स फ्रॉम अमेजोन एंड देर वेरी वेरी ईजी, 10 मिनट लगता है इसको चार चेयर्स पर डालने में एंड दैट्स व्हाई दिस होल कॉर्नर बिकेम अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक प्लेस। देन दिस ब्यूटिफुल टेबल रनर इज फ्रॉम दिल्ली हाट, बहुत सुंदर है, सॉरी दिल्ली हाट नहीं गुजराती लेन से था, तो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस फ्रॉम एंड प्लीज गो देयर बिकॉज बहुत ही ज्यादा सुंदर टेबल रनर्स थे। और ये रग मैं लाई थी फ्रॉम द गांव से लाई थी, लाइक आई गॉट इट फ्रॉम कच्छ, सो दैट्स व्हाई आई रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर द प्राइस और बाकी का स्टोर, बट वहाँ पे बहुत अच्छे ऐसे हैंडमेड रग्स मिलते हैं। नाउ लेट्स गो टू द किचन बिकॉज ओह माय गॉड इट्स लाइक अ बारबी किचन फॉर मी, इतना कामिंग इतना एस्थेटिक वाइब है जगह का कि आई जस्ट लव दिस प्लेस अ लॉट। सो देयर्स अ बंच ऑफ हेल्दी थिंग्स ऑन दिस शेल्फ जो मैंने इतने हाथ नहीं लगाए जितनी आई शुड हैव यूज एंड बिकॉज ये घर में मुझे एक भी फर्नीचर पीस नहीं मिला है
टू द पॉइंट की देयर इज नो स्टोरेज ऑल्सो प्लेटफॉर्म के नीचे. तो ये था मेरा हैक कि मैंने एक पतला सा तार डलवाया एंड उसके ऊपर पर्दे डला लिए, सो दैट इफ आई पुट एनीथिंग पीछे देन इट वोंट रियली बी विजिबल. डिटेल किचन टूर अगर चाहिए तो आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैंने सारा का सारा दिखाया तो वो जरूर देखना. नाउ दिस इज वन ह्यूज ग्रीन 3D वॉल दैट आई गॉट इंस्टॉल्ड. ये आईकिया में ना इतने छोटे छोटे से स्क्वायर्स मिलते हैं तो उन सबको मैंने स्टिच अप करा दिया टुगेदर एंड दिस इज रिमूवेबल. So whenever I want, I can take it off, and that's a big thing I look for in a rented place. कि वैसी ही चीजों में invest करना जो मैं लेके जा सकूँ whenever I move out, because no future planning करनी पड़ती है. So this is my place where I can shoot a lot of interesting things. Product closeups भी अच्छे लगते हैं, outfit shots भी अच्छे लगते हैं. So that's what I got this one made for. And ये है मेरी perfectly imperfect wall. Because I have got the pictures printed, cut and glue भी है उसके पीछे, बस चिपकाने बाकी थे and वो मैंने कभी किया ही नहीं. I still have the pictures as it is and this is how much I got it finished. लेकिन अच्छा ही लग रहा है फिर भी. Vacuum cleaner है, इधर एक mini sitting area है which is you know so convertible. ये actually yoga mat है but I made it into a mini sofa. So I shot so many videos here and it's again another corner. मुझे cozy corners बनाना बहुत अच्छा लगता है. So that was the idea behind this and this whole thing opens up the whole thing. Now let me take you to the makeup and part walk-in wardrobe. Come. I know इस room का भी detail tour हो चुका है, वो भी link कर दूँगी. लेकिन there's been monumental changes since then. So let's start from this side. This is my clothing rack जिसपे add होते गया but this rack is so freaking sturdy. Link कर दूँगी नीचे से from IKEA and IKEA में ना तीन options थे. So I got the one जिसमें नीचे भी bracket था ऐसा cross वाला and तीन railings थी and because of that ये rack में इतना वजन ले लिया. I think there's easily 20 kilos on this मिला के like नीचे भी I've kept a lot of stuff. तो वो सब मिला के दिस इज सुपर सुपर स्टडी. लोगे तो ये अच्छा वाला लेना, वरना तो सारे वाला ना दे गुड फॉर फिल्मिंग स्टाइलिंग वीडियोस बट नॉट टू एक्चुअली कीप थिंग्स ऑन इट. बिकॉज आई हैड वन पहले, वो टूट गया. थोड़ा सा वजन डाला ना वो रैक ही टूट गया, इसलिए दिस इज अ गुड वन. देन दिस इज माई स्किन केयर ड्रॉअर. सो इसमें भी एकदम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया. दीज आर माई सेलर वाटर्स, सनस्क्रीन्स, फेस मास्क, डिओड्रेंट्स ओवर देयर पीछे. तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस ना मैं फेंकती नहीं, उसको मैं स्टोरेज स्पेस बना देती हूँ. इट्स अ रियली गुड रिसाइकलिंग ऑप्शन. लाइक व्हाई टू थ्रो समथिंग व्हेन इट कैन बी यूज्ड. एंड बी इट सेव्स मनी आल्सो ना. वो ट्रांसपेरेंट फेस भी काफी एक्सपेंसिव आते हैं. इट स्टार्ट्स एट लाइक 200 रुपीज. देन इन द सेकेंड ड्रॉअर वी हैव मॉइस्चराइजर्स एंड अ बंच ऑफ डिफरेंट सीरम्स. आई कीप ट्राइंग दीज एंड रिव्यूइंग देम, इसलिए सब एकदम अच्छे से रहता है. And the last one has a lot of sheet masks, face wash, toners. Yeah, those are toners. Now coming to my vanity, इसको ना मैंने मस्त गोल्ड अपडो किया था बट इट वॉज वेरी टफ टू मेंटेन बिकॉज रोज में मेकअप के इतने प्रोडक्ट्स यहाँ पर डाल देती थी कि आज लाइक ठीक है लेट्स कीप इट मोर मिनिमल. वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स ऑन द वैनिटी इज माय ज्वेलरी बॉक्स व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ पैनकेक. दिस इज अ पार्ट ऑफ माई क्यूट लंदन पिंक आइटम्स. सो वो वीडियो की डोंट मिस अबाउट. एंड आइडियली मेकअप ब्रशेस मैंने बाहर रखे हैं बिकॉज आई बीन लाइक शूटिंग अ लॉट. तो बार बार चाहिए होती तो मैंने यहाँ से यहाँ ला दिया बट इफ यू कैन कीप इट इन साइड द ड्रॉअर बिकॉज इट्स मोर हाइजीनिक. अभी तो ड्रॉअर में डाइसन एंड स्ट्रेटनर एंड कॉटन रिमूवर्स एंड कोम ऐसा सब है तो काफी मेसी है. Let's come to this wall. Last time when I showed you, I don't think these were there. And even if they were, अलग तरीके से रखे थे. But this is my bag. Display तो नहीं बोल सकती because it's very very functional. It's easier to pick from here. But बहुत सुंदर लगता है. Please get one of these in your home because you can keep anything on this. Flowers हो या books हो या shoes हो, whatever interests you. But बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. तो ऐसा लाइक आइकिया बिकॉज द फिनिशिंग एंड द वाइट फिनिश इट्स वेरी इजी टू मेंटेन. विल यू टेल ऑल ऑफ दिस फर्नीचर इज 3 years ओल्ड. लग रहा था कुछ भी दिन था पुराना. सो मेरे को तो अच्छा लगता है, मेरा तो सब टिका है अभी तक. सो आई हैव केप्ट ऑल माय बैग्स हियर. एंड लग्जरी बैग्स ना एक्चुअली खुले में नहीं रख सकते इज व्हाट द सेल्स एसोसिएट्स हैव टोल्ड मी. इसलिए उनको मैंने उनके पेपर बैग में रहने दिया अलॉन्ग विद द डस्ट बैग. सो दैट्स व्हाई ऑल दीज बैग्स आर ओपन. सब अलग अलग कलर्स के इतने अच्छे लगते हैं ना. एंड देन ओ इन दीज पहले मैं कपड़े रखती थी इस रूम में. नाउ देयर सुपर डुपर ऑर्गेनाइज्ड
makeup and cosmetics. So this has my nails. I love doing press-on nails. इसलिए मैंने सब इसमें रख के रखे हैं with glues and these are teeny nail paints. छोटू से. Look how small they are. तो this has all of that and यहाँ से makeup start होता है. Like those are all the blushes. Then we have eyeshadows, more eye stuff, lip glosses, lip liners, mascara, and kajals and colored pencils. And last drawer has powder, foundation, concealer, everything base. And all the nude lipsticks and dark color lipsticks are separated. So इसमें सारी nude lipsticks है. And dark color थोड़ी सी है क्योंकि मुझे nude ही ज़्यादा पसंद है. तो वैसे differentiate किया है. And this one has all the jewelry. तो ज्वेलरी के लिए ना ऐसे ट्रेस में डिफरेंट अलग अलग करके रख दिया है. मैं और हाइटेड ट्रेस लाने वाली हूँ सो दैट दिस स्पेस डजंट गो टू वेस्ट. बट आई हैव ये वाली कौन सी, आई हैव डायमंड स्टडेड इयररिंग्स हियर, गोल्ड हुप्स हियर, देन सिल्वर वंस हियर, फिर देयर आर रिंग्स एंड बैंगल्स. इन सब ऐसे अलग अलग करके रखा है. तो दिस इज द मेकअप एंड वैनिटी रूम. लेट मी टेक यू टू द स्टडी स्लैश ऑफिस रूम. ओह दिस इज द कॉमन बाथरूम. Nothing fancy, normal. मैंने कुछ भी change नहीं कराया because that is a permanent change. Now this office. It cannot be a hashtag family home without a striped wall because a striped wall is where it all began from, the OG black and white wall. So it's gonna continue forever and ever and ever. And this is the table. This is a two people desk because this is where I sit and this is where my team sits. Again, this is also from IKEA. So I love IKEA sir because A, I was on a budget and B, it's very lightweight and moving friendly. So rented place mein I don't believe in putting fixed furniture. It's better to keep something moving. And these two chairs. Okay, this one I bought from IKEA. I don't recommend spending 10,000 on this chair because ऐसा कुछ features में है भी नहीं. मैं पता है पीछे भी नहीं जा पाती. इसमें मैं गिर जा रही हूँ. So get something from a local place like this. Because this is super comfortable and also like adjustable, so that's one thing. इस रूम का मैं डिटेल टूर में कर चुकी हूँ, so that I will link video वो देख लेना. But this is the other side. I painted a huge blue triangle right here, and there's this wonderful neon sign which says do what you love. I stand by it completely. तब भी जाके life में भी मजा आता है और वो push खुद को push करने की motivation तब भी आती है. Oh, this is a master bedroom of course. But I didn't do anything to this, not using this bathroom also, so that is like this. And this is the other cabinet. So in this room, I only have like techie stuff. So, of course, there are some sanitary napkins and band-aids because ek medical aid to hona hi chahiye har ghar mein. And I have some lights and decor for shooting. So ye pure drawers mein yehi sab hai. And our coveted H&K notebook collection. Every time I launch a notebook, it keeps getting added here. And the Bhagwan ka sign. Come, let me hit the last room, which I bet you've not seen till now, and it's my favorite room. Now this is where all the magic happens. It's where मैंने एकदम खाली रखा, because I wanted this to be the one go-to place I can come to whenever I feel great कि यार ये बनाना है. So this archway was something I see on Pinterest again, and similar था, exactly same ही था, but I wanted this. So I thought कि चलो, let us leave इतना blank, और इसके आसपास का पूरा पीच पेंट कर देते हैं. एंड दैट्स हाउ दिस रूम वाज बोर्न. एंड दिस इज लाइक आवर मोस्ट क्लासिक हेली प्लेस ऑफ फिल्मिंग एनी फैशन कॉन्टेंट. आई एम इन द मिडिल ऑफ दिस वाइट आर्चवे एंड दिस लैडर यूज्ड टू बी नेक्स्ट टू इट. सो अगेन दिस इज समथिंग आई बीन गेटिंग विद मी सिंस आई डोंट नो हाउ मेनी 3-4 साल हो गए इसको. एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल डेकोर पीस. इस पे भी ना कुछ भी बहुत अच्छा लगता है. So I love this. Then my a little bit of my equipment is here, which is the Godox SL200, the diffuser. So light ना जब बहुत harsh होती है, वो face पे अच्छी नहीं लगती. So a diffuser is what makes it soft और sun kissed वाला look देता है. So that's what this is used for. The tripod with the mobile attachment, a light stand. वो बहुत heavy है तो मैंने इसको नीचे रख दिया कि वो गिरने गिरने का डर नहीं चाहिए अपने को. I love sitting in this because it's so cozy and comfy. ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं बहुत टाइम से इसमें आई नहीं क्योंकि उतना शांति वाला मेरा माइंड था ही नहीं. आज मैं वेरी एंग्जियस अबाउट सब कैसे होगा. सो रिलैक्स तो किया है इसमें, बट अभी वेट तो बहुत अच्छा लगे, इससे शांति मिले 2 मिनट के लिए. आई बॉट दिस आल्सो फ्रॉम अ लोकल स्टोर. सो मैंने अगर आई सी ए नाइस होम डेकोर पीस ना, मैं तब भी ले लेती हूँ. एंड इन मोस्ट केसेस लोकल स्टोर्स आर मोर अफोर्डेबल देन अमेज़न फॉर ऐसे हैंड क्राफ्टेड पीसेस. उस
फिर थोड़ा सा फेक ग्रास लगा दिया, फेरी लाइट्स डाल दी एंड ये रंग भी मैं गांव से कच से लाई थी. एंड दिस पूफ इज फ्रॉम मीशो, यू नो इट्स अ रियली गुड क्वालिटी पूफ. कितने सालों साल चलाए ये. फिर यहाँ पर भी छोटी सी बालकनी है जिसका व्यू बेटर है हॉल से बिकॉज इट्स एन एंगल बालकनी तो पूरा इसके बाहर तक दिखता है. एंड दिस वाटर शेप स्टैंड मैं मेरे बेडरूम में भी यूज करती थी. ये एक लोकल एग्जीबिशन से है. So I got this whole thing re-polished and that's how it became like इसको basically flip कर दिया. It was in a poorer condition और इसको बहुत beautify कर दिया. All of this is the wardrobe space. इसमें मैंने सारे कपड़े रखे हैं and this is the one full length mirror to click all the outfit pictures and just see like one last take घर से निकलने के पहले कि सही तो लग रहा है ना. Yeah, so I have my dresses and tops and lingerie, bottoms, everything across all of these drawers. Like छोटे-छोटे वाले में तो मैंने scarves रखे हैं, hats रखे हैं, and then the bigger ones is Indian wear also in this one. एक बार roll them, I find more things fit into it. This is also master bedroom, but again not using the washroom because एक ही तो ज़रूरत है. If you want to see how I painted this, I have my favorite video which has crossed 1,000,000 views. It's how I painted this home within 24 hours. So much fun to watch and it was so much fun to do. If you want to see how I painted that and everything else that is on this video, wo dekh lena. Wo bhi link kar dungi pakka. But this is our home. This was our home because we are moving. Yaar, ruk jao batane ke liye. Thoda intezar karoge? Thoda ruk jao. Because it is so special that I thought I wanted to do it and it's happening. So wait for it on 26th June, which is my birthday, my 25th birthday. I want to share my most special thing with you, most special news with you. Yeah, wait to find out what's happening on that day. But I hope you like the space. Ki imagine एक plain white walls वाली चार दीवारों वाला घर था और इसको ऐसे हमने अपना बना लिया. Yes, fun is intended. I love that song. But हाँ, video देखने में मजा आया. Then give it a thumbs up and subscribe to our channel for future videos. If you did not enjoy watching this video, please give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye.